नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल एजुकेशन MK पर। तो आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे BSc नर्सिंग पोस्ट बेसिक नर्सिंग कोर्स के लिए पंजाब में एक बार फिर से एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज हो गए हैं। तो आपको कैसे अप्लाई करना है, क्या आप जिन स्टूडेंट ने पहले अप्लाई कर रखा था और एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया था, क्या उन्हें दोबारा से एंट्रेंस एग्ज़ाम देना पड़ेगा या दोबारा से फॉर्म फिल करना पड़ेगा, और क्या अदर स्टेट के स्टूडेंट इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं या नहीं कर सकते, और कितनी कितनी सीटें वैकेंट हैं या नहीं है, तो सारी जानकारी आपको इस वीडियो मिलेगी। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं, और अगर आप चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिए, क्योंकि ऐसी जानकारी आपको सबसे पहले हमारे यूट्यूब चैनल पर मिलती रहती है। तो सबसे पहले बात करें अगर हम BSc नर्सिंग के फॉर्म की लास्ट डेट की, तो आपका BSc नर्सिंग और पोस्ट बेसिक नर्सिंग दोनों कोर्स के लिए जो लास्ट डेट है फॉर्म फिल करने की, वो आपकी 18 अक्टूबर है। तो आज 10 अक्टूबर आपकी हो गई, सिर्फ 8 दिनों का आपके पास टाइम है। जिन स्टूडेंट ने फॉर्म फिल नहीं किया वो फॉर्म फिल कर सकता है। अब जिन स्टूडेंट ने पहले फॉर्म फिल कर रखा था तो उन्हें दोबारा फॉर्म फिल करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, उन्हें सिर्फ आपका एडमिट कार्ड रिलीज हो जाएगा नया, उस एडमिट कार्ड के थ्रू आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम देना होगा 24 अक्टूबर को। तो एंट्रेंस एग्ज़ाम आपको सभी कैंडिडेट को देना होगा जो अब अप्लाई करेंगे या जिन स्टूडेंट ने पहले अप्लाई कर रखा था, सभी स्टूडेंट का एंट्रेंस एग्ज़ाम एक बार फिर से होगा 24 अक्टूबर को। तो 24 अक्टूबर को आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा, 18 अक्टूबर आपकी लास्ट डेट है। जिन स्टूडेंट ने पहले अप्लाई कर रखा है उन्हें दोबारा से अप्लाई करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है दोनों कोर्सेज़ के लिए, चाहे BSc नर्सिंग हो चाहे पोस्ट बेसिक नर्सिंग हो। दोनों कोर्सेज़ में जिन स्टूडेंट ने पहले अप्लाई कर रखा है वो उन्हें दोबारा से अप्लाई करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। और आपकी जो अदर स्टेट के स्टूडेंट के रिगार्डिंग बात करें अगर हम, तो अदर स्टेट के स्टूडेंट फॉर्म फिल कर सकते हैं, लेकिन उनको सीट तब ही मिलेगी जब पंजाब के स्टूडेंट अगर कम रहते हैं कि आपकी गवर्नमेंट कॉलेज की सीटें हैं। फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में तो आपको अदर स्टेट के जो स्टूडेंट हैं उनको कंसीडर ही नहीं करते हैं, सेकेंड राउंड जो काउंसलिंग होती है उसमें आपको कंसीडर करते हैं आपके सभी जो काउंसलिंग कमेटी आपकी BOFHS की, और उसमें अगर पंजाब के रेजिडेंट के स्टूडेंट नहीं रहते तो अदर स्टेट के स्टूडेंट को मौका दिया जाता है एडमिशन लेने के लिए। तो हर बार कुछ ना कुछ सीटें तो वैकेंट रह ही जाती है, कुछ गवर्नमेंट की रह जाती हैं और कुछ आपकी प्राइवेट कॉलेज की तो रह जाती हैं। तो अगर अदर स्टेट के स्टूडेंट फॉर्म फिल करना चाहते हैं फॉर्म फिल कर सकते हैं, उन्हें सेकंड राउंड काउंसलिंग में एडमिशन मिलता है। फर्स्ट राउंड में जितने एडमिशन होते हैं हो जाते हैं, सेकंड काउंसलिंग के टाइम जितनी सीटें वैकेंट रहती है उन पे उनको एडमिशन मिल सकता है। तो अदर स्टेट के स्टूडेंट फॉर्म ज़रूर अप्लाई कर सकते हैं, प्राइवेट कॉलेजेस में हो जाता है लेकिन गवर्नमेंट कॉलेजेस में अदर स्टेट के स्टूडेंट का एडमिशन हो पाना बहुत मुश्किल है। अगर बहुत ही अच्छे मार्क्स हैं तो ही होने के चांसेस है, वो भी अगर पंजाब के जो डुमोसर स्टूडेंट हैं वो आपके उनके नंबर कम होता है तो ही अप्लाई कर सकते हैं। तो इस बार ये दोबारा कंडक्ट इसी वजह से हुआ है कि सीटें वैकेंट रह गई थी, तो हो सकता है कि अदर स्टेट के स्टूडेंट के लिए इस बार अच्छा मौका हो। तो अदर स्टेट के स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं इस फॉर्म को, और आपकी 18 अक्टूबर लास्ट डेट है, 24 अक्टूबर आपकी एंट्रेंस एग्ज़ाम की डेट है, एडमिट कार्ड आपके एक हफ्ते पहले आ जाएंगे, ऑलमोस्ट 19-20 अक्टूबर को आपके एडमिट कार्ड है वो आ जाएंगे। तो एक बार फिर से फॉर्म रिलीज हो चुके हैं आपके पंजाब में, और जिन स्टूडेंट ने पहले अप्लाई कर रखा है उन्हें दोबारा अप्लाई करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। नए जो स्टूडेंट है वो न्यू रजिस्ट्रेशन जो आपको दिख रहा है आपके सामने, ये इस पर क्लिक करना है और अपना रजिस्ट्रेशन कर देना है, फ़ी पेमेंट है वो कर देना है। तो यही सब जानकारी थी आपके लिए, कोई डाउट हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, ऐसी जानकारी आपको आगे भी मिलती रहेगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, और कुछ हमने सैंपल पेपर शेयर कर रखे हैं इसी एंट्रेंस एग्ज़ाम और बाकी अदर नर्सिंग और पैरामेडिकल एंट्रेंस एग्ज़ाम के रिलेटेड। तो आप हमारी वेबसाइट education.mk.in से वो सैंपल पेपर्स डाउनलोड कर सकते हैं, वेबसाइट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।